हैं क्या है आज की ताजा खबरें। ईडी ने जब्त किए पत्रकार राणा आयुब के 1.77 करोड़ रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा आयुब के 1.77 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी अधिकारियों का कहना है कि आयोग ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासियों के लिए 3 ऑनलाइन अभियान शुरू किए थे, जिनका निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है। पत्रकार के खिलाफ 10 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने यह कदम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उठाया है। राणा आयुब अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पर नियमित कॉलम लिखती हैं। उन्हें मोदी सरकार का आलोचक माना जाता है। राणा आयुब ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सरकार उनकी पत्रकारिता के कारण उनके पीछे एजेंसियों को लगा रही है, लेकिन वे सच बोलना जारी रखेंगे। गुरुग्राम में अपार्टमेंट की छत गिरने से बड़ा हादसा। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 109 में गुरुवार रात शिल्टल्स पैराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की छत का एक हिस्सा गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। यहां 22 मंजिला इमारत की छठी मंजिल की छत का एक हिस्सा गिरा और फिर उसके मलबे की वजह से नीचे की कई मंजिलों की छतें टूटती चली गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची MDRF और दमकल विभाग की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना पर ट्वीट कर कहा है कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि SDRF और NDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग सुरक्षित हों, इसके लिए मैं दुआ करता हूं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा तुरंत छोड़ दें यूक्रेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले की बढ़ती आशंका को देखते हुए अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। यूक्रेन में रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने यह अपील की है। गौरतलब है कि अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को भारी नुकसान उठाना होगा, लेकिन इस चेतावनी का खासा फायदा नहीं दिख रहा है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सोमवार से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सोमवार से 10वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि डिग्री कॉलेज को खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को हिजाब विवाद मामले के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया था। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा पिछले 2 दिन से स्थिति शांतिपूर्ण रही है। गुरुवार की हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को सोमवार तक स्थगित किया है। कोर्ट ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने की अपील करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धार्मिक ड्रेस कोड से परहेज रखा जाए। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने याद करते हुए ट्वीट किया, लिखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने के सक्षम है। उनकी पुण्यतिथि पर आदरणीय श्रद्धांजलि।